हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई फिर से आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आज आटा और सूजी का लड्डू बना रही हूँ, जिसमें आटा की मात्रा ज़्यादा है, सूजी मैंने कम डाली है। तो मैं चलिए आप लोगों को मटेरियल दिखा देती हूँ। ये देखिए, देसी घी है और ये है सूजी 1 कप के करीब, ये है मखाने और ये गरी, ये है आटा, ये है चाशनी जो मैंने बनाई है, गुड़ और चीनी दोनों मिलाकर चाशनी बनाई है मैंने इसमें, और ये है गोंद। इसको मैंने सब ये हर पूरा सब कुछ फ्राई कर लिया है। ये गोंद है, इसको फ्राई करके मैंने पीस लिया है दरदरा, और ये है छुहारे, इसको भी मैंने देसी घी में सब फ्राई कर रहा है। ये बादाम है 1 कटोरी, 1 कटोरी काजू है और 1 कटोरी किशमिश है, और ये चिरौंजी। इन सब चीज़ों को मैंने देसी घी से सब अच्छे से फ्राई कर लिया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने इसको सब पहले से फ्राई करके रखा था। अब मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए, इसमें मैंने आटा मिला लिया है और आटे के साथ सूजी भी मैंने डाल ली है इसमें। अब मैं इसमें देखिए ये डाल लेती हूँ मखाने, सारा ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए, छुहारा मैंने मिक्स कर लिया इसमें, और ये काजू, ये किशमिश, ये चिरौंजी, ये बादाम, और ये है गरी। ऐसी घी से पीसा है मैंने, भून के पीसा है। ये देखिए, इसमें मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया, सारा ड्राई फ्रूट डाल लिया इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। तो मिक्स कर लूंगी, फिर मैं डालूंगी चाशनी। और चाशनी बस मीठी हो, हल्का सा चिपचिपी हो, मगर तार वार नहीं उसमें बनने चाहिए। चाशनी को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालें इसमें, जब आपको जरूरत समझ आए तो फिर इसमें और ऐड करती जाए। चलिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको लड्डू बना के इसका। क्या देखिए, अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं आपको लड्डू बनाकर दिखाती हूँ इसका। सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो आप लोग भी इस तरह से लड्डू बना के खाइए, लड्डू बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए फ्रेंड, लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, आप लोग भी बनाइए मेरी तरह से ये लड्डू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।